गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। नाउ एज यू आर ईगरली अवेटिंग SBI जूनियर एसोसिएट रिजल्ट, आई हैव ट्राइड टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। आई कॉल्ड मैनी पीपल इन स्टेट बैंक एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट एंड ट्राइंग टू लिंक वेरियस इवेंट्स टू जस्ट एस्टिमेट वेन वी कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट। As you are aware, result is already delayed, and the one of the reason was pending exam at Ladakh as well as elections. Now both the events are over, and the moment these events are over, there is lot of talk whether still they will take 1 month to complete the result or we can expect the early result. Now, as per the discussion that I held with various people, the new batch of TO already started their training with effect from 10th June of 2024. On 7th June, these people, those who are working as junior associate, got promoted as TO on start of their training on 10th June. That means about 1,400 people have now left the junior associate position, and these vacancies are lying vacant as on date. And the branches from where these people have gone, they are requesting the management to provide the substitutes as early as possible. So the people, those are in State Bank of India to whom I have talked, they have indicated ki they will not be surprised if the result comes before 25th June and the joining may happen in the month of July itself. This is the information they have shared with me. The confirmation of this information will only happen when result comes. So as I am as worried as you are, I am trying to get information from here and there, and whatever information I gather, I am sharing with you. Now, this is based on discussion with some employees in State Bank of India. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. हम सब लोग चिंतित हैं State Bank of India Junior Associate के रिजल्ट को लेके. निरंतर आपका भी प्रश्न है कि सर कब तक रिजल्ट आ जाएगा, और मैं भी पूरा कोशिश कर रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आए. स्टेट बैंक से इन्फॉर्मेशन निकलना आसान नहीं होता है, फिर भी मैंने कुछ एम्प्लाई से बात की और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की, जहाँ से हम कुछ लिंक मिलाकर एस्टिमेट कर सकते हैं कि कब तक रिजल्ट आ सकता है. बातचीत के दौरान ये पता लगा कि जो नया TO बैच है, मीन्स जो जूनियर एसोसिएट से TO प्रमोट हुए हैं लोग, उन्होंने 10 जून को ज्वाइन ट्रेनिंग पर किया है और 7 जून को उनकी रिलीविंग हुई है फ्रॉम जूनियर एसोसिएट और एसोसिएट सीट. तो 1400 के करीब ये पोस्ट अचानक खाली हो गई हैं 7 जून से, और ये भरी जानी थी जो नया बैच आना है उससे. और अब क्योंकि ये रिजल्ट डिलेड है और वो जूनियर एसोसिएट की पोस्टें उन ब्रांचों में खाली है, तो जहाँ पर ये खाली है वहाँ ये डिमांड बार बार आ रही है कि इसको जल्द से जल्द भरा जाए. तो ऑलरेडी रिजल्ट डिलेड है, तो इसलिए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो नॉर्मली 1 महीने का वक्त लगता है आखिरी डेट ऑफ एग्ज़ाम के, वो शायद इस बार नहीं लगेगा. और इन लोगों से जो बातचीत में मुझे थोड़ा सा हिंट मिला वो ये है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि 25 तारीख से पहले ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए. ये एक संभावना है, और ये भी माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में ज्वाइनिंग भी हो जानी चाहिए. तो ये दो बातों पे कुछ संभावना बातचीत के जरिए पता लगी है. एक्चुअल तो देखो, जब भी पता लगता है स्टेट बैंक के अंदर, जब वो आ जाती है चीज़, क्योंकि स्टेट बैंक से कोई इंफॉर्मेशन पहले से अनाउंस नहीं वो करते हैं. मगर फिर भी जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं और जिस हिसाब से एकदम स्टाफ की ज़रूरत क्रिएट हो गई है और प्रमोट उन्होंने कर दिया है और लोअर कैडर में स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है, तो ये प्रॉम्प्ट कर सकता है जल्दी रिजल्ट आने के लिए. अब क्योंकि एग्ज़ाम ही 9th जून को ख़त्म हुआ है,
तो उसके बाद कुछ दिन तो लगेंगे उसके कंपाइलेशन के। तो काफ़ी संभावना ये प्रबल है कि हम ये रिज़ल्ट 25 जून से पहले देख लें, किसी भी दिन देख लें। ठीक है, जो मुझे सूचना मिली उस पर आधारित मैंने ये सूचना आपके साथ शेयर की है। गॉड ब्लेस यू ऑल।